हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमको मिल रही हैं। सबसे पहली अपडेट है एक्वामैन 2 के बॉक्स ऑफिस को लेके। तो एक्वामैन 2 ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 370 मिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर लिया है। यानी एक्वामैन 2 ने शज़ैम फर्स्ट के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को बीट कर दिया है। शज़ैम फर्स्ट अराउंड 366 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड था, लेकिन एक्वामैन 2 ने 370 मिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर लिया है। और ट्रेड एनालिस्ट अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि 450 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड एक्वामैन 2 क्रॉस करेगी। डोमेस्टिक मार्केट्स में एक्वामैन 2 ने द फ्लैश के कलेक्शन को बीट कर दिया है। और गाइस, अगर एक्वामैन 2 का बजट थोड़ा सा कंट्रोल्ड होता तो 450 मिलियन डॉलर्स एक हिट या सक्सेस माना जाता, लेकिन थोड़ा सा ओवर बजट हो गई एक्वामैन 2, क्योंकि आपको पता ही होगा फ्लैश की तरह इस मूवी के भी कई सारे रीशूट्स हुए थे। अराउंड 210 से 215 मिलियन डॉलर्स का बजट है। फिर भी एक्वामैन 2 का जब थिएट्रिकल एंड होगा तो 450 मिलियन डॉलर ये मूवी क्रॉस कर जाएगी। यानी ओवरसीज में अभी भी ये मूवी स्ट्रांग चल रही है। दूसरी रिपोर्ट जेम्स गन की तरफ से आई है। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ब्रिटिश एक्ट्रेस आनिया चलोट्रा अपियर होंगी क्रिएचर कमांडोज में सर्सी के कैरेक्टर के तौर पर। सर्सी का कैरेक्टर आपको पता होगा, वंडर वुमेन का वो एक विलन है, क्रिएचर कमांडो में अपियर होने वाला है। और गाइस, मैंने सरसी की ओरिजिन स्टोरी को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रेचर कमांडोज ओरिजिन, उसमें मैंने सरसी के कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी कवर करके रखी है। तो जेम्स गन ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि आनिया चलोट्रा अपियर होंगी सरसी के तौर पर क्रेचर कमांडोज में। काफ़ी पहले ये र्यूमर निकल के आ रहे थे, लेकिन अब कन्फर्मेशन हो गया है। आनिया चलोट्रा जो है गाइज, वो विचर टीवी सीरीज में भी नजर आई हैं। तीसरी अपडेट भी क्रेचर कमांडो की तरफ से थी। सारा सेम्पायो जो सुपरमैन लेगेसी में अपियर होने वाली है, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक पिक लगाई थी जिसमें एक टी शर्ट थी और जिसपे क्रिएचर कमांडो के जो कैरेक्टर्स हैं जो अपियर होने वाले हैं टीवी सीरीज में, उनकी पिक मौजूद थी। यानी कि गाइज, ये ऑफिशियल मर्चेंडाइज है क्रिएचर कमांडोज की। यानी कि हो सकता है यही एग्जैक्ट लुक हमको एनिमेशन सीरीज में भी नजर आए। अगर आप थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे तो आपको ऑफिशियल लुक एक तरीके से दिख रहा है इन कैरेक्टर्स का, क्योंकि गाइज मर्चेंडाइज में अगर इस तरीके का लुक है तो मुझको लग रहा है कि एनिमेशन सीरीज में भी सेम लुक इन कैरेक्टर्स का दिखेगा। सेंटर में आप देख सकते हैं ब्राइट का कैरेक्टर है, और फ्रैंकस्टाइन भी इसमें मौजूद है, रिक फ्लैग सीनियर भी मौजूद है, जी आई रोबोट भी मौजूद है, सारे ही कैरेक्टर्स अपियर हो रहे हैं। लेकिन पर्सनली जो सेंटर में ब्राइट का कैरेक्टर खड़ा हुआ है, उसका लुक मुझको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। और रिक फ्लैग सीनियर भी जो येलोइश टॉर्सो में है, वो आप जानते हैं रिक फ्लैग जूनियर का फादर है, और आगे जाके हो सकता है रिक फ्लैग सीनियर और पीसमेकर के बीच में टकराव हो या क्लैश हो, क्योंकि पीसमेकर ने रिक फ्लैग सीनियर के बेटे को मार दिया था द सुसाइड स्क्वाड मूवी में। तो खुशी इस चीज़ की है कि मर्चेंडाइज भी अब धीरे धीरे आने लगी है क्रिएचर कमांडोज की, क्योंकि गाइज डीसी यूनिवर्स जो है इसकी मर्चेंडाइज सेल और मार्केटिंग कायदे से करनी होगी वार्नर ब्रदर्स को। इनफैक्ट सुपरमैन लेगेसी मूवी जो है उसमें तो फुल ऑन मार्केटिंग इनको करनी पड़ेगी। बजट जो है, प्रोडक्शन बजट, उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें अराउंड 150 से 175 मिलियन डॉलर, लेकिन मार्केटिंग जब वो करें सुपरमैन लेगेसी की तो फुल ऑन मार्केटिंग हो। तो गाइज, यही कुछ अपडेट थी डीसी से रिलेटेड। और गाइज, आपको क्या लगता है, एक्वामैन 2 क्या 450 मिलियन डॉलर्स का मार्क क्रॉस कर पाएगी वर्ल्ड वाइड? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।